सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखंतु आज वीडियो रे आम 2016 टू 2021 मसीह पड़ा बेड रबू सिफ्टर आपर सब सिफ्टर बायोलॉजी क्वेश्चन डिस्कशन करवा। तो वीडियो को आज कम्प्लीटली देखिए, वीडियो गोटे गोटे लाइक करने सांग सहित वीडियो को शेयर करने को जमा ही भूलें। सो फ्रेंड्स लेट अस स्टार्ट। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आम फास्ट को जीवा। क्वेश्चन नंबर फास्ट आपको देला टू प्रड्यूस 128 सेल्स फ्रॉम ए सिंगल सेल। तो गोटे सिंगल सेल रु 28टा सेल तैयार करने हाउ मेनी नंबर ऑफ माइटोटिक डिविजन्स आर रिक्वायर्ड। तो केतेटा माइटोटिक डिविजन दरकार। तो गोटे सिंगल सेल रु 128टा सेल फॉर्मेशन करिया पई तो केतेटा माइटोटिक डिविजन दरकार। तो मन रखिबे तो आपनर 7टा माइटोटिक डिविजन दरकार 128टा रु माने सेल प्रोड्यूस करिया पई 7टा माइटोटिक डिविजन दरकार। नेक्स्ट पॉइंट देला ऑन व्हिच सेगमेंट ऑफ देज देखंतु फेरिटिमा आउ दे कौन ना पोस्ट हुमा। फेरिटिमा आउ हूँ पोस्ट हुमा इज ए फीमेल जेनिटल पोर लोकेटेड। तो ये मैंने आपको क्यों सेगमेंट रे एटा लोकेट करुच्छे। तो क्यों सेगमेंट रे तो मन रखिए यहाँ आपनर 14th सेगमेंट रे लोकेट करुच्छे क्यों ठारे। तो 14th सेगमेंट रे फेरिटिमा पोस्ट हुमा। तो नेक्स्ट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज इरेगुलर न्यूक्लियाई। तो कहार रेगुलर गोटे इरेगुलर न्यूक्लियाई अच्छी आ भितर कहार न्यूक्लियाईटा इरेगुलर। तो कह रही करेक्ट आंसर तो मन रखिए तो न्यूट्रोफिल कार न्यूट्रोफिल इरेगुलर न्यूक्लियाई न्यूट्रोफिल। नेक्स्ट पॉइंट देला गिवन बिलो आर द इवेंट्स ऑफ मेयोसिस। तो आ भितर केउटी होउची कौन ना मेयोसिस रो गोटे इवेंट आपको कही। तो मेयोसिस रो इवेंट केउटी ता मेयोसिस रो इवेंट होउची आपनर देखंतु कौन ना साइनापिस हो। नेक्स्ट होउची आपनर क्रॉसिंग ओवर हो। नेक्स्ट होउची टर्मिनलाइजेशन हो। नेक्स्ट होउची आपनर डिसजंक्शन ऑफ जीनोम्स। तो देखंतु आर ऑप्शन हो बी। नेक्स्ट पॉइंट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज रिटेन द कैपेसिटी टू डिवाइड एट मैच्योरिटी। तो क्यों व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज रिटेन द कैपेसिटी टू डिवाइड एट मैच्योरिटी। तो क्यों टिश्यूर गोटे कैपेसिटी अच्छी जी कि मैच्योरिटी टाइम से डिवाइड हो पार। तो कौन हो करेक्ट आंसर तो तार राइट आंसर हो देखु सी हूँ पारेनकाइमा। किए सी ना पारेनकाइमा। नेक्स्ट पॉइंट को आसवा द डिजीज इन पीएच लेवल ऑफ सॉइल एंड वाटर मेनली ड्यू टू ह्यूमन इंटरवेंशन इज कॉल्ड। तो ताको कौन कह जाए ना ताको आपणकर कौन कह जाए ताको आपणकर अल्कलाइजेशन बोली कह जाए। कौन कह जाए अल्कलाइजेशन बोली कह जाए। नेक्स्ट इकोलॉजिकल नीच कहले आपण कौन बुझिबे। इकोलॉजिकल नीच होची गोटे फॉर्म्ड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग एट द बॉटम ऑफ द लेक। तो यहाँ हूँ इकोलॉजिकल नीच। नेक्स्ट हूँ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर कहले कौन बुझे बायोस्फीयर कहले आप कौन बुझे ना यहाँ हूँ गोटे कंपोस्ट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ व्हिच इंटरैक्ट विथ फिजिकल एनवायरनमेंट। तो ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट देला द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू माइक्रोजोम्स इज दैट। तो माइक्रोजोम कथा देखा क्यों स्टेटमेंटा करेक्ट अच्छी आप पचार माइक्रोजोम कथा देखा। तो मन रखिए बी ऑप्शन टी करेक्ट अच्छी माइक्रोजोम्स इज डिस्क्रीट एंटिटीज आर नॉट फाउंड इन द इंटैक्ट सेल बट आर द रिजल्ट ऑफ फ्रैगमेंटेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द क्रिप्टोप्लाज्मिक मेम्ब्रेनस कंपोनेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट देखु व्हिच स्ट्रक्चर इज आबसेंट इन मेल कॉकरोच। तो मेल कॉकरोच रे क्यों स्ट्रक्चरटा आबसेंट थाए। तो मेल कॉकरोच रे आबसेंट थाए कौन ना देखु स्पर्माथीसा आपणकर आबसेंट थाए स्पर्माथीसा। नेक्स्ट होउची देखंतु रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस इन। तो डीएनए रिप्लिकेशनटा केउठी हेता केउ फेज रे हेता। तो जनरली एस फेज रे हेता। नेक्स्ट होउची मैक्सिमम एंडेमिज्म अकर्स इन इंडिया इन केस ऑफ। मैक्सिमम एंडेमिज्म अकर्स इन इंडिया इन केस ऑफ। तो क्यों कहाँ को केस रे मैक्सिमम एंडेमिज्म देखा जाए तो सी हो कौन ना आपणकर फ्लावरिंग प्लांट मान क्षेत्र देखा जाए। नेक्स्ट पॉइंट हूँ हाईएस्ट क्रोमोजोम नंबर इज फाउंड इन द मेयोसाइट्स ऑफ। तो सबुठ अधिका क्रोमोजोम कार थाए। तो हाईएस्ट क्रोमोजोम नंबर हूँ कार ना कार हो करेक्ट आंसर। तो हाईएस्ट हूँ कार ना देखु ओफियोग्लोसुम कौन ओफियोग्लोसुम। नेक्स्ट इकोटन कहले आप कौन बुझे इकोटन कौच कौन ना यहाँ गोटे जोन ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन टू कम्युनिटी। नेक्स्ट व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ हाई बीओडी ऑफ वाटर। तो मैंने केउटा इंडिकेट करे वाटर हाई बीओडी टाक किए
तो राइट आंसर हो मन रखिए हाई माइक्रोबियल पॉल्यूशन। नेक्स्ट होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बाय प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में क्यों गोटे बाय प्रोडक्ट नुहे, तो रेस्पिरेशन में क्यों गोटे बाय प्रोडक्ट नुहे, तो कौन हो ना ऑक्सीजन गोटे बाय प्रोडक्ट नुहे। नेक्स्ट होची देखु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शो मैक्सिमम डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी। तो किए आप अधिक माने व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शो मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी, किए मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी देखे थाए, तो तार राइट आंसर हो देखु सी ऑप्शन दैट इज टेम्परेट रेन फॉरेस्ट रीजन। नेक्स्ट नेम द इवेंट व्हिच प्रोड्यूस व्हिच प्रीसेड्स रिफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर इन्वॉल्व्स ड्यूरिंग एम फेज ऑफ सेल साइकिल। तो नेम द इवेंट, तो से इवेंटर नाँ हूँ मन रखिए कौन हो ना तार ना हूँ जोटा हूँ कौन ना ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम क्रोमोसोम्स एंड रिजेंबल ऑफ न्यूक्लियर लामिना। तो राइट आंसर हो सी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हाज हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी। तो क्यों कंट्रीर बायोडाइवर्सिटी हाईएस्ट, तो कौन हो तो यार हो देखो क्योंटार ना ब्राजिल। नेक्स्ट नेक्स्ट इज ऑटोकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, ऑटोकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। तो ऑटोकोलॉजी कहले आम कौन बुझा ना यहाँ हूँ कहार स्टडी ना यहाँ हूँ रिलेशन ऑफ एन इंडिविजुअल टू इट्स एनवायरनमेंट, रिलेशन ऑफ रिलेशन ऑफ एन इंडिविजुअल टू इट्स एनवायरनमेंट बी ऑप्शन करेक्ट। राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय, ये जो राइवेट पॉपर हाइपोथेसिसटा किए देते, तो राइवेट पॉपर हाइपोथेसिसटा आपण देते किए ना देते देखते एचरिल एंड एचरिल, तो यहाँ देते। नेक्स्ट प्रोकैरियोटिक जेनेटिक सिस्टम कनसिस्ट ऑफ, प्रोकैरियोटिक जेनेटिक सिस्टम कहाँ कहाँ नहीं गठित, तो प्रोकैरियोटिक जेनेटिक सिस्टम जनरली गठित होइछि डीएनए किंतु नो हिस्टोन, डीएनए को नहीं गठित होइछि किंतु हिस्टोन नथिबो। नेक्स्ट नेक्स्ट देखु व्हिच व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ बायोडाइवर्सिटी टुवर्ड्स इक्वेटर। तो इक्वेटर कथा देखिबा व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ बायोडाइवर्सिटी टुवर्ड्स इक्वेटर, तो इक्वेटर आड़ कौन होता है बायोडाइवर्सिटी, तो इक्वेटर कथा देखिए बायोडाइवर्सिटी बिकम्स जीरो टुवर्ड्स इक्वेटर, बायोडाइवर्सिटा इक्वेटर आड़ गले जीरो। नेक्स्ट नेम द इवेंट व्हिच टेक्स प्लेस ड्यूरिंग कौन ना डिप्लोटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज वन ऑफ मेयोसिस। नेम द इवेंट, तो कौन हो करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर हो डी ऑप्शन दैट इज कौन डिसोल्यूशन ऑफ साइना साइनाप्टो नेमाल कॉम्प्लेक्स, तो राइट आंसर हो डी। नेक्स्ट नाइट्रोजन ऑक्साइड्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग एमिशन फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स एंड पावर प्लांट्स आर ए सोर्स ऑफ फाइन एयर पार्टिकल्स व्हिच लेड टू कौन हो व्हिच लेड टू द फोटोकेमिकल स्मॉग। नेक्स्ट यूट्रोफिकेशन मीन्स, तो यूट्रोफिकेशन कहले आप कौन बुझे, यूट्रोफिकेशन हूँ गोटे प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन एनरिच्ड इन वाटर बॉडीज, तो जहाँ फल कि कौन अलगाल ब्लूम मैंने जन्म पॉइंट देखु देला दे मिथाइमोग्लोबिन आनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू मिथाइमोग्लोबिन आनीमिया, तो कहाँ मानने कौन पर होता है, तो जनरली यहाँ होता है कौन पर ना ड्यू टू एक्सेस ऑफ नाइट्रेट्स प्रेजेंट इन ड्रिंकिंग वाटर, से मिथाइमोग्लोबिन आनीमिया। नेक्स्ट हूँ देखु नेक्स्ट देखु आप व्हेयर अमंग द फॉलोइंग विल यू फाइंड पिचर प्लांट, पिचर प्लांट क्यों देखा जाए, पिचर प्लांट जनरल देखा जाए क्यों ना पिचर प्लांट देखा जाए जो कौन रेन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, कौन देखा जाए रेन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया ऑप्शन ए करेक्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉज फॉर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो क्यों गोटे बायोडाइवर्सिटी लॉस रो गोटे कॉज नुहे, तो कौन हो तो सी ऑप्शन करेक्ट हो कीपिंग एनिमल्स इन जूलॉजिकल पार्क। नेक्स्ट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इंप्योरिटीज इज इजिएस्ट टू रिमूव फ्रॉम वेस्ट वाटर, तो वाटर वेस्ट वाटर रू रिमूव कर फॉलोइंग इंप्योरिटीज इजिएस्ट टू रिमूव फ्रॉम वेस्ट वाटर, तो क्यों डी, तो राइट आंसर हो डी ऑप्शन जोड़ा हूँ सस्पेंडेड सॉलिड। नेक्स्ट हूँ ओजोन प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फीयर इज कॉल्ड गुड ओजोन बिकॉज इट डिसिपिटेड द हार्मफुल रेडिएशन ऑफ, तो कौन हो ना यूवी से जनरली कौट बाहर करता है यूवी जो अल्ट्रा हलाइट बी। नेक्स्ट हूँ द एसिड रेन एंड कॉज ड्यू टू एसिड रेन होता है ड्यू टू एनओ टू आउ कौन एसओ टू, तो राइट आंसर हो ए। नेक्स्ट हूँ हाउ डू अल्गल ब्लूम्स इन ए वाटर बॉडी अफेक्ट द एनवायरनमेंट, तो सी कौन अल्गल ब्लूम केमी वाटर बॉडी अल्गल ब्लूम केमी इफेक्ट पकई थाए सी बाय कॉजिंग यूट्रोफिकेशन। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस
यूजेस फ्रेगमेंटेशन जहाँ आम कह वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन तो व्हिच ऑफ दि फॉलोइंग यूजेस तो आ भितर किए फ्रेगमेंटेशन करते हैं कहे तो फ्रेगमेंटेशन क्या यदि कह कौन नो स्टॉक हो। नेक्स्ट देखो डाइवर्सिटी फाउंड बिटवीन एडजेसेंट कम्युनिटीज ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड तो कौन कहुए आपर कहुए कौन ना बीटा डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी फाउंड इन एडजेसेंट कम्युनिटी ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड बीटा डाइवर्सिटी। तो ये देखिए 2017 फर्स्ट क्वेश्चन देला व्हिच गैस कॉजेस एसीडेंट तो क्यों गैस एसीडेंट करता है तो जानपारे एसओ टू ही हो सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट पॉइंट देला कंपोजिशन ऑफ नेचुरल गैस तो नेचुरल गैस रो कंपोजिशन तो नेचुरल गैस कथा यदि कह मेन कंपोनेंट आप पचारे मिथेन हो मेन कंपोनेंट देन नेचुरल गैस अल्प कौन थाए ना सीओ टू थाए आउ कि आपर वाटर वेपर थाए तो ये जब आम देखा तो मिथेन तो अच्छे कितना सब दे दीजिए हाइड्रोजन सल्फाइड एगुरा सब दे दीजिए तो यहाँ भितर क्यों ऑप्शन हेनी तो डी ऑप्शन करेक्ट दे देखो भर्मी कंपोस्टिंग इज डन बाय तो भर्मी कंपोस्टिंग इज डन बाय तो क्या द्वारा भर्मी कंपोस्टिंग होता है तो क्या द्वारा होता है तो करेक्ट आंसर हो देखते ओम्स द्वारा भर्मी कंपोस्टिंग होता है ओम्स मान द्वारा। नेक्स्ट हूँ मैलेरिया इज कॉज्ड बाय तो मैलेरिया जनरली कौन जानते यहाँ गोटे प्रोटोजोआन डिजीज यहाँ गोटे प्रोटोजोआन डिजीज मन रखिए। व्हाट इज द रीजन ऑफ कलर ब्लाइंडनेस तो कलर ब्लाइंडनेस रीजन कौन ना रीजन हूँ आर डिफेक्ट कौन ना डिफेक्ट इन आईकोन तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हूँ ग्रीन प्लांट्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर कॉल्ड तो ग्रीन प्लांट्स मानक क्यों प्रकार कंज्यूमर कहुए डीकंपो मान क्यों प्रकार गोटे श्रेणी विभक्त कर डीकंपोजर ना कंज्यूमर ना प्रोड्यूसर ना आपर नॉन ऑफ दिस तो जदि आम ग्रीन प्लांट कथा यदि कहवा ग्रीन प्लांट कौन ना गोटे प्रोड्यूसर। नेक्स्ट डीडीटी तो डीडीटी रो फुल फॉर्म कौन आप कमेंट सेक्शन में कहे डीडीटी गोटे कौन डीडीटी गोटे हूँ कौन ना यहाँ हूँ गोटे जनरली नॉन बायोडिग्रेडेबल बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट जोटा कि आपर कौट मैंने फर्टिलाइजर आकार यूज होता है जनरली। नेक्स्ट हूँ देखो व्हाट वाटर सॉल्युबल विटामिन तो वाटर सॉल्युबल फैट सॉल्युबल हूँ ए डी ई के देन एटा हूँ फैट सॉल्युबल वाटर सॉल्युबल बी आउ सी तो देखो आधार कौटा अच्छी ना सी अच्छी तो बी ना तो सी अच्छी गोटे तो ऑप्शन ए हो करेक्ट। नेक्स्ट हूँ द अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड बाय बर्निंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट तो कार्बोहाइड्रेट को जाड़ा द्वारा केते अमाउंट एनर्जी रिलीज होता है तो यहाँ देखो 1 ग्राम ग्लुकोज ग्लुकोज गोटे वन टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट तो 1 ग्राम ग्लुकोज केते आमको एनर्जी देता है तो ये आप पॉइंट मन रखिए तो अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड बाय बर्निंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट जी तो 1 ग्राम ग्लुकोज एनर्जी होती जदि गोटे ग्राम ग्लुकोज आमको केत ना 17 kJ पर ग्राम दबो आमको कौन एनर्जी दबो तो राइट आंसर है 17 kJ पर ग्राम। ओजोन लेयर लाइज तो ओजोन लेयर क्यों टाइम ना स्ट्राटोस्फीयर। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो ये मैथ्र क्वेश्चन टा अच्छी नेक्स्ट देखा आम नेक्स्ट देखो नेक्स्ट आपला व्हिच ऑफ दि फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ आटम तो आ भितर क्यों तो गोटे फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ आटम नुहे प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फाबेट तो अल्फाबेटिकल हम कि अल्फाबेटिकल के हेनी तो अल्फाबेटिकल नुह तो ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट दूसरी आपन को देखो 67 व्हिच मेटल वाज यूज्ड बाय रदरफोर्ड इन हिज अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट तो रदरफोर्ड कौन सुना पातिया नहीं परीक्षण करते तो गोल्ड फॉयल ऑप्शन ही करेक्ट। नेक्स्ट हूँ क्वेश्चन दूसरी व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन मास पचार तो मास कथा यदि कह केवल देखिए -31 कौटार अच्छी तो देखो -31 ए ऑप्शन ही अच्छी तो ए ऑप्शन हो करेक्ट तो आपंकर इलेक्ट्रॉन मास हूँ 9.1 × 10⁻³⁻³ के जी द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियडिक टेबल पीरियडिक टेबल सबुठ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हूँ फ्लोरीन ग्रुप 17 एलिमेंट तो ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट को देखा नेक्स्ट पॉइंट आपको दे सिलेक्ट द फॉलोइंग सेट ऑफ 3 मेटल्स व्हिच आर फाउंड इन फ्री स्टेट तो क्योंकि फ्री स्टेट रे मिलता है तो आपको बाहर करार अच्छे फ्री स्टेट रे क्या अवेलेबल था ना सिल्वर गोल्ड और प्लाटिनम तो फ्री स्टेट रे मिलता है सिल्वर गोल्ड और प्लाटिनम ए बी ऑप्शन हो करेक्ट। देन हूँ प्लास्टर ऑफ पेरिस तो इंपोर्टेंट प्लास्टर ऑफ पेरिस तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जानते क्यों यूज है तो तार फॉर्मूला हूँ कैल्शियम सल्फेट CaSO4 इंटु हाफ H2O CaSO4 इंटु हाफ H2O हूँ कैल्शियम सल्फेट सहित हाफ H2O तो ये ऑप्शन करेक्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस।
आटम के ऑर्बिटल प्रोग्रेसिवली फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ इनक्रीजिंग एनर्जी द प्रिंसिपल कॉल्ड तो यहाँ क्यों प्रिंसिपल कौच एटा कौच आपर आउ आउ प्रिंसिपल कौन एनर्जी ऑर्डर में सजेगा तो क्यों प्रिंसिपल आउ आउ प्रिंसिपल नेक्स्ट हूँ टू ह्विच ग्रुप एन एलिमेंट विथ आटमिक नंबर 88 विल बिलंग तो 88 जनरली बिलंग कर कौटिकी तो आम जब कह जानवे जो 88 रहा तो जनरल से कौटी बिलंग कर 88 बिलंग कर कौन नि ग्रुप टू को बिलंग करा कौटी बिलंग कर ग्रुप टू को बिलंग कर नेक्स्ट प्रिंसिपल ओर ऑफ एल्युमिनियम तो एल्युमिनियम जनरली एक्सट्रैक्शन होता है कौट ना बॉक्साइड ओर ए ऑप्शन करेक्ट हेमाटाइट इज ओर ऑफ हेमाटाइट कार ओर ना आयरन गोटे ओर हेमाटाइट एफी हो नेक्स्ट मोमेंटम ऑफ ए ट्रक एट रेस्ट तो गोटे ट्रक मोमेंटम रेस्ट जदि से रही थी तो रहा मोमेंटम कौन थी कौन हो निहाती कौन जीरो होती है रहा मैंने मोमेंटम कौन जीरो यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस तो पोटेंशियल डिफरेंस को आम क्यों मापी था तो पोटेंशियल डिफरेंस पीडी पोटेंशियल डिफरेंस को आम वोल्ट्रे मापी था क्यों मापी था वोल्ट्रे मापी था नेक्स्ट देखु द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ए चार्ज थ्रू ए सर्किट इज कॉल्ड तो केते अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कला गोटे सर्किट कौन कहुए आपंकर करंट बोली कहुए कौन कहुए करंट बोली कहुए An example of a body moving with constant speed but still accelerating is तो कौन कहुए तो कहुए आपंकर body moving with constant speed in a circular path. A rocket works on principle of conservation of तो रकेटा क्यों प्रकार प्रिंसिपल वर्क करता है रकेटा जेनेल आपंकर कौन ना मोमेंटम प्रिंसिपल वर्क करता है मोमेंटम एक्सप्रेशन फॉर फाइंडिंग द ग्राविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इज तो ग्राविटेशनल फोर्स कैलकुलेट कर फॉर्मूला हूँ एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर कौन जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर तो राइट आंसर हो देखु कौन ना ए हो जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर वैल्यू ऑफ के डब्ल्यू एच माने वन किलोवाट आवर जी केते जूल इंपोर्टेंट वन किलोवाट आवर जी केते जूल आपको पचार तो मन रखिए वन किलोवाट आवर हूँ 10^6 3.6 × 10^6 जूल कौन है वन किलोवाट आवर हूँ 3.6 × 10^6 जूल वन किलोवाट आवर हूँ 3.6 × 10^6 जूल तो ऑप्शन नंबर वन किलोवाट आवर हूँ कौन ना 3.6 × 10^6 जूल ऑप्शन नंबर के बी हो नेक्स्ट को आसवा साउंड वेव सर तो साउंड वेव गोटे प्रकार क्यों टाइप रही गोटा साउंड वेव हूँ गोटे कौन ना लॉन्गिट्यूडिनल वेव साउंड वेव हूँ लॉन्गिट्यूडिनल हाउ मेनी ऑर्बिट्स आर देन सोडियम आटम सोडियम आटम सोडियम आयन ने कतटा ऑर्बिट अच्छी तो आप कैलकुलेट कर देखिपारे नेक्स्ट हूँ देखो हाउ मेनी ग्रुप्स एंड पीरियड्स एंड दे आर इन मॉडर्न पीरियडिक टेबल कथा कह 18 कौन अच्छा ना पीरियड कईटा अच्छा आम टोटाली कौन ना आंसर रहा कौन 18 ग्रुप पीरियड कहते ना 7 पीरियड तो देखो करेक्ट आंसर हो ग्रुप्स आ पीरियड कौन हो ऑप्शन करेक्ट नेक्स्ट 1 kcal 1 kcal जो केते जूल आपको पचार किलो जूल कि अर्क तो 1 kcal कथा जी कह सी या भितर देखो किसी भी यार आंसर हेनी गोटे हेनी किसी नन अफ दिज द इलेक्ट्रोनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ सीएल माइनस क्लोरीन कथा दी कहवा क्लोरीन इलेक्ट्रोनिक कॉन्फिगरेशन पचार तो 8 8 16 2 कथा यहाँ यदि आम देखा 8 8 16 देन 8 2 18 हो नेक्स्ट एटी जब देखा देखो 18 19 एटी 7 2 15 17 देटा दे 10 6 16 तो सीएल माइनस अच्छी मैंने गोटे इलेक्ट्रोन आड हो तो आम जब कह क्लोरीन 17 गोटे आड हो 18 हम तो बी ऑप्शन करेक्ट हुई चल दी फलोइंग एलिमेंट्स विल लूज इलेक्ट्रॉन इजिली तो क्यों आटमटा आ भितर इलेक्ट्रॉन गोटे लूज कर इजिली तो किए इजिली लूज कर तो यहाँ जेनेल क्वेश्चनटा यहाँ कौन जेनेली कौन ना पोटासीयमटा इजिली लूज करता है एसीड रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर दिस रिएक्शन कौन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नेक्स्ट हूँ देखो सोडियम इज केप्ट इमेज्ड इन किरोसिन ऑयल बिकज कौन पाई ना सी जब आसो बाहर को सी कौन कर ना आटमोस्फेयर एयर प्रेजेंस रे कौन हो रिएक्ट कर माने एटा सब हो ऑल दि एभव ह्विच मेन पार्ट ऑफ सनलाइट कजेस हिट तो कौन ना इनफ्रारेड तो ऑप्शन नंबर ए हो
सोर्स ऑफ जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी रा सोर्स होची कौन ना, सोर्स होची मैग्मा, जियोथर्मल एनर्जी रा सोर्स होची मैग्मा। भोपाल गैस ट्रेजेडी, मिथाइल आइसोसियनेट, बी ऑप्शन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्लेक्शन ऑफ O3, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CN0 फुल फॉर्म, कंप्रेस नेचुरल गैस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस पई तो यूज फॉर फोटोसिंथेसिस कौन ना, फोटोसिंथेसिस पई आपनर CO2 वाटर जनरली यूज होता है तो डी हो। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के डिग्री सेंटीग्रेड पचार तो डिग्री सेंटीग्रेड पचार मैंने ए ऑप्शन हो। नेक्स्ट हूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बैक्टीरियल डिजीज तो ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम, ट्यूबरकुलोसिस। गिंजर कौन एटा, गिंजर इज ए स्टेम बट नॉट रूट बिकॉज कौन पे तो यहाँ गोटे स्टेम कहीं ना यहाँ कौन स्टेम तार कौन नोट्स और इंटरनोट्स है तो कौन है सी ऑप्शन। लिवर सिक्रेट तो लिवर कौन सिक्रेट करे ना बाइल, बाइल सिक्रेट करे। नेक्स्ट हूँ देखो पाश्चराइजेशन टर्म बिलंग्स टू पाश्चराइजेशन कौन, पाश्चराइजेशन जनरली मिल्क को रिलेट कर मिल्क, मिल्क तो पाश्चराइजेशन हूँ प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क। सुपरसोनिक जेट कॉज पॉल्यूशन बाय थिनिंग अप तो यहाँ कौन ना O3 लेयर ओजोन लेयर तो बी ऑप्शन कौन है सी ऑप्शन है। ग्रोथ हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय तो ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी मास्टर ग्लांड ऑफ आवर बॉडी, पिट्यूटरी ग्लांड रू ग्रोथ हार्मोन झरू थाए तो है बी। एंड एग्जांपल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मैंने प्लास्टिक के भी बायोडिग्रेडेबल होबनी। राइट पार्ट ऑफ ह्यूमन हार्ट तो ह्यूमन हार्ट राइट पार्ट हूँ कौन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इन व्हिच मीडियम साउंड ट्रैवल फास्टर तो क्यों मीडियम रे साउंडटा बहुत शीघ्र ट्रैवल करता है तो सी हूँ कौन ना सी हूँ सॉलिड मीडियम रे तो ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट। आट व्हिच टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड रे वाटर डेंसिटी हूँ मैक्सिमम तो सी ऑप्शन करेक्ट। व्हिच रूल इज नॉट रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म तो सी हूँ ऑक्टेव रूल तो कौन है तो डी ऑप्शन। मैग्नेट्स डू नॉट अट्रैक्ट तो मैग्नेटा जेनेली क्या अट्रैक्ट करे ना कॉपर को अट्रैक्ट करे ना तो है डी। नेक्स्ट देखो यहाँ गोटे प्रॉब्लम अच्छी तो फॉर्मूला टू कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हूँ MgH सी ऑप्शन करेक्ट, कौन है सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट हूँ ए स्ट्रेच्ड रबर हाज तो स्ट्रेच्ड रबर रो पोटेंशियल एनर्जी अधिका कौन था तो स्ट्रेच्ड रबर रो पोटेंशियल एनर्जी था। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हाज बिगर साइज तो बिगर साइज किया हम साइज जदि बिगर देखिबा सोडियम हे जो साइज बिगर देन करेस्पोंडिंग आयन। नेक्स्ट होची नेक्स्ट दे देखंतु लोएस्ट टेम्परेचर एट व्हिच सब्सटेंस कैचेस फायर तो गोटे लोएस्ट टेम्परेचर जो थे कि गोटे सब्सटेंसटा फायर क्याच कर तो से सब्सटेंस टेम्परेचर को आम कौन कह से टेम्परेचर को आम कह देखु जेनराली तो कौन कह इग्निशन टेम्परेचर कौन कह इग्निशन टेम्परेचर तो येलो कलर फ्लेम डिनोट्स तो येलो कलर गोटे फ्लेम येलो कलर टा कौन ना से मिडिल तार कौन ना मिडिल जोन को डिनोट करे तो देखो आर जो फिजिकल साइंस पार्टा था सेक्शन 2 रो 2017 आम डिस्कसन करदे कारण आम तो अलरेडी जस्ट गोटे दिन पूर्व आम डिस्कसन करें 2017 बायोलॉजिकल साइंस जदि आप देखी ना मुझे आई बटन लिंक दे देवी प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देदेवी। ओके नेक्स्ट देखिए 2018 क्वेश्चन देला व्हिच फाइलम डज एंड ऑक्टोपस बिलंग्स टू तो ऑक्टोपस जनरली गोटे मॉलुस्का को बिलंग्स करोटी को बिलंग्स कर मॉलुस्का श्रेणी। द एनवायरमेंट इन व्हिच स्पेसीज नॉर्मली लिव्स और द लोकेशन ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज रेफर्ड टू एज तो सेटा तार कौन ना सेटा तार गोटे कौन ना हैबिटेट जो सी रोची आउ तार लोकेशन ऑफ एनिमल मैंने से जो जगह सी रोचन नॉर्मली तो हैबिटेट कह तो ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट को आसवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ लाइसोजोम तो लाइसोजोम क्यों गोटे फंक्शन सुइसाइडल बैग कह जाए जानते तो लाइसोजोम फंक्शन हूँ ऑटोफेजी कौन है ऑटोफेजी दैट इज ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट हूँ देखो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन ना विंडटा हूँ गोटे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ बायोमास इज अपराइट इन ऑल इकोसिस्टम एक्सेप्ट तो पिरामिड ऑफ बायोमास टा सब इकोसिस्टम रे अपराइट किंतु क्यों इकोसिस्टम रे अपराइट न थाए तो क्यों तो कौन है ना आप एक्वाटिक एक्वाटिक इकोसिस्टम रे पिरामिड ऑफ बायोमास टा अपराइट न थाए। फ्यूल्स हाज
been classified based on their physical state of existence. Name the solid fuel from the following. तो क्यों तो गोटे solid fuel आपन पचार तो solid fuel हूँ गोटे किए ना agricultural waste हूँ गोटे solid fuel मन रखिए agricultural waste हूँ one type of solid fuel. आपन देखिए dermis, epidermis and hypodermis are related to which of the following parts of the body. तो जो epidermis, dermis और hypodermis एटा क्यों पार्ट को बिलोंग करछि तो एटा जनरली कोडी बिलोंग करछि ना एटा बिलोंग करछि स्किन को बिलोंग करछि कोडी बिलोंग करछि स्किन को बिलोंग करछि. नेक्स्ट ड्यूरिंग ट्रांसलेशन राइबोसोम्स हेल्प्स इन तो ट्रांसलेशन रे राइबोसोम क्यों प्रकार हेल्प करता है तो राइबोसोम जनरली कौन करता है ना प्रोटीन सिंथेसिस करता है ट्रांसलेशन प्रक्रिया रे राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है. नेक्स्ट होची इन मेरिन इकोसिस्टम क्रोम देख देखंतु केमोसिंथेटिक सल्फर बैक्टीरिया आर फाउंड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग तो मेरिन इकोसिस्टम रे केमोसिंथेटिक भी सल्फर बैक्टीरिया क्यों ठारे देखा जाए केमोसिंथेटिक सल्फर बैक्टेरिया देखा जाए क्यों ठारे ना कौन ना अबेसल जोन देखा जाए. इन क्रेब्स साइकिल देयर इज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन इज आइसोसिट्रेट टू फॉर्म अल्फा केटो ग्लूटारेट अल्फा केटो ग्लूटारेट. दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम तो ये रिएक्शन टा ये जो क्रेब्स साइकिल ले तो जो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होची कहार ना आइसोसाइट्रेट टू फॉर्म अल्फा कीटो ग्लूटारेट तो ये रिएक्शन टा कैटलाइज करची क्यों एंजाइम आपन पजार जी तो के करची तो मन रखिबे एटा होची आइसो के आइसोसाइट्रेट डी डिहाइड्रोजेनेज के करची ना आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजेनेज. इन एक्वाटिक बायोम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द मेरिन बायोम एक्वाटिक बायोम रे ता भीतर केउटी बिलोंग करची मेरिन बायोम को के बिलोंग करची तो मेरिन बायोम कथा दि कहबा इस्टुआरीज कोन हे जीवो इस्टुआरीज तो ऑप्शन ए हे जीवो करेक्ट. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज्ड टू मेजर सालिनिटी ऑफ सॉइल तो सॉइल रो सालिनिटी मेजर करिया पई के यूज हेते सॉइल रो सालिनिटी को मेजर करिया पई यूज हेथाय मन रखिबे के ना इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीटर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीटर. नेक्स्ट पॉइंट को आसीबा इन सोडियम बाइकार्बोनेट इफ सोडियम बाइकार्बोनेट एडेड इन द वाटर हैविंग हाइड्रेला प्लांट इन ए बीकर इन रेंज ऑफ सनलाइट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज एक्सेलरेटेड यदि गोटे हाइड्रेला प्लांट जो जारे बीकर रे थिबो तो ताके देर यदि हमें कोन सोडियम कार्बोनेट ऐड कर देबा तो से कोन होबो अपन कहिछे तो से कोन होबो ना जनरली फोटोसिंथेसिस हे जीवो कारण सनलाइट प्रेजेंट थिबो तो फोटोसिंथेसिस हे जीवो. नेक्स्ट होउछि प्रिंसिपल द प्रिंसिपल मेनली इनवॉल्वड इन द जनरेशन ऑफ बायोगैसेज तो बायोगैस जनरेशन करिया पई क्यों प्रिंसिपल जनरली कोन ग्रहण करा जाय थाय तो सी होउछि आपनकर कोन ना फर्मेंटेशन कोन हे जीवो फर्मेंटेशन प्रोसेस. ऑर्गन्स व्हिच हैव डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ओरिजिन बट हैव सिमिलर अपीयरेंस एंड परफॉर्म सिमिलर फंक्शन इज प्रिफर्ड एज सॉरी इज रिफर्ड एज तो ताको कोन कह जाय ताको होमोजेनियस कह जाय कोन कह जाय होमोजेनियस कह जाय सिमिलर आइला वर्ड माने तो अपन कहबे होमोजिन कोन हे जीव ना एटा सॉरी होमोजेनियस होमोलोगस ना एनालोगस तो एटा जदी सिमिलर देची बेसिक स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बट सिमिलर अपीयरेंस तो एटा एनालोगस कोन हबो एनालोगस सिमिलर अपीयरेंस होजि माने तो एनालोग जनरली हम कहितो तो एटा हबो एनालोगस तो ऑप्शन सी करेक्ट. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल एट ईच ट्रॉपिक रेबुल इन द कम्युनिटी तो ताको कह जाए पिरामिड ऑफ कौन कह जाए पिरामिड ऑफ जनरली पिरामिड ऑफ बायोमास. नेक्स्ट दला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल दैट एनगल्फ्स एंड डाइजेस्ट सेलुलर डेब्रिस फॉरेन सब्सटेंसेस इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तो ताको कौन कह जाए ताको कह जाए देखंतु कौन प्लेटलेट्स देची कौन न्यूरल न्यूरोनल सेल देची एरिथ्रोसाइट्स देची माइक्रोफेज देची तो कौन है जीवो ताको जनरली कह जाए माइक्रोफेज कह जाए तो कौन कह जाए माइक्रोफेज. व्हिच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग रिन्यूएबल सोर्स तो रिन्यूएबल सोर्स कथा देखा आ भर क्यों स्टेटमेंटा फॉल्स अच्छी तो फॉल्स स्टेटमेंट हूँ दे आर लिमिटेड एंड विल गेट एक्जॉर्टेड वन डे तो यहाँ हूँ कौन ना फॉल्स
व्हिच फाइलम ऑफ इनवर्टिब्रेट्स इज कॉमनली कॉल्ड एज फ्लैट ओर्म। तो फ्लैट ओर्म क्या कहुए फ्लैट ओर्म तो फ्लैट ओर्म क्या कहुए तो मन रखिए फ्लैट ओर्म आपर कौन ना प्लाटी हेलमिन्थेस को कहुए कौन कहुए प्लाटी हेलमिन्थेस को कहुए फ्लैट ओर्म कौन कहुए फ्लैट ओर्म। व्हिच इज द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इन एनिलिड्स व्हिच एक्ट्स टू फंक्शन आज इट्स एक्सक्रिटरी सिस्टम। तो कौन है जो करेक्ट आंसर तो है जो राइट आंसर देखो कौन व्हिच अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इन एनिलिड्स व्हिच एक्ट्स तो कहार गोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जोटा कि एनिलिड था व्हिच एक्ट्स एज फंक्शन ऑफ इट्स एक्सक्रिटरी सिस्टम। तो किए तो करेक्ट आंसर है कौन ना नेफ्रिडिया कौन है नेफ्रिडिया तो डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट देखा 2019 तो फर्स्ट क्वेश्चन देला इन ए मैच्योर एम्ब्रियोसैक ऑफ एंजियोस्पर्म्स एट ए माइक्रोपाइलर एंड द सेल्स प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ एग्स कॉल्ड एग सेल्स आर टर्म्ड एज। तो आपको कहे गोटे मैच्योर एम्ब्रियोसैक एंजियोस्पर्म रे तो आट द माइक्रोपाइलर एंड तो माइक्रोपाइलर एंड रे सेल प्रेजेंट इन आइदर साइड ऑफ एग सेल तो एग सेल दुटा साइड रे जो प्रेजेंट थाए तो आप कौन कह जाए तो कौन कह जाए ताकू जेनराली कह जाए मन रखिए कौन ना साइनर्जिड कह जाए सिनर्जिड कह जाए। नेक्स्ट एन एनिमल दैट हंट्स अदर एनिमल फॉर फूड नोन एज तो गोटे एनिमल जी कि अलग प्राणी मान को मारे खाइबा खाद्य खायापी तो से कौन कह जाए जेनराली तो से कौन कह जाए मन रखिए से कह जाए कौन ना प्रीडेटर कौन कह जाए प्रीडेटर। नेक्स्ट हूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेडियो आइसोटोप वाज अप्लाइड टू मेजर दि आक्वाटिक प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो क्यों रेडियो आइसोटोप को आक्वाटिक प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को मेजर करने यूज होता है तो कार्बन 14 यूज होता है कौन यूज होता है कार्बन 14। इन प्रोकैरियोटिक सेल ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस इन प्रोकैरियोटिक सेल ग्लाइकोलिसिस केमठार देखा जाए तो ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म रे देखा जाए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फाइला इज एन एग्जांपल ऑफ सीडलेस वैस्कुलर प्लांट तो कौन है करेक्ट तो राइट आंसर है सी ऑप्शन दैट इज लाइकोफाइटा। नेक्स्ट इन पोटैटो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द स्टेम सर्व्स एज एन ऑर्गन फॉर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पोटैटो रे कौन ना ट्यूबर है ट्यूबर। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट एन अफेक्ट सॉरी इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन तो क्योंटी गोटे क्यों कंडीशन टा डिफॉरेस्टेशन गोटे इफेक्ट नुहे तो करेक्ट आंसर है मन रखिए इनक्रीज बायोडायवर्सिटी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रेफर टू द प्लांट ग्रोथ विथ मिनिमम डैमेजेस टू द एनवायरमेंट विदाउट कंपोजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स तो करेक्ट आंसर है देखो कौन है ना ए ऑप्शन दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस अकर्स विदिन द प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस जनरली साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। इन माइटोकॉन्ड्रिया द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स ए नंबर ऑफ इनफोल्डिंग नोन एज तो माइटोकॉन्ड्रिया रे इनर मेम्ब्रेन टा नंबर ऑफ इनफोल्डिंग तैयारी करता है तो ताकु कौन कह जाए ताकु जनरली कौन कह जाए ना आपणकर क्रिस्टाई कह जाए कौन कह जाए क्रिस्टाई। द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज रेगुलेटेड बाय ए पार्ट ऑफ आवर ब्रेन कॉल्ड इंटरनल बॉडी टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज रेगुलेटेड बाय ए पार्ट ऑफ आवर ब्रेन ताकु कह जाए कौन ना हाइपोथैलेमस कह जाए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल तो क्योंकि गोटे नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल तो सी हूँ राइबोसोम गोटे नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल। इन सेलुलोज द ग्लुकोज रेसिड्यू आर लिंक्ड बाय सेलुलोज रे ग्लुकोज रेसिड्यू गुड़ा केमी लिंक होता ना ग्लुकोज रेसिड्यू गुड़ा लिंक होता बाय कौन ना बीटा वन फॉर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड्स एक्सप्लेन अबाउट 10% लॉ तो क्यों इकोलॉजिकल पिरामिड इंपोर्टेंट क्वेश्चन था 10% लॉ को एक्सप्लेन करता तो से पिरामिड रो ना हो मन रखिए सी जोटा हो पिरामिड ऑफ एनर्जी 10% लॉ। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम रेस्पिरेटरी सिस्टम इज आब्सेंट क्यों फाइलम रेस्पिरेटरी सिस्टम आब्सेंट था तो सी हूँ जेनराली कौटी ना एनिलिडा रेस्पिरेटरी सिस्टम आब्सेंट। द टर्म एंजियोस्पर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स एंजियो एंड स्पर्मा व्हाट डू दे मीन तो एंजियोस्पर्मा ता माने कौन ना ता माने होची कवर्ड सीड कौन है एंजियोस्पर्म जो एंजियोस्पर्मा ता माने होची कवर्ड सीड। द एबिलिटी ऑफ एन इकोसिस्टम टू रिकवर व्हेन द सिस्टम इज डिस्टर्ब इज टर्म्ड एज
तो एबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम टू रिकवर दि सिस्टम व्हेन सिस्टम इज डिस्टर्ब ताकु कह जाय कोन ना ताकु कह जाय कोन कोन कह जाय रेजिलिएंस स्टेबिलिटी। नेक्स्ट द थ्री आर दैट थ्री आर फुल फॉर्म से मिल पछि थ्री आर कहले कोन ना रिड्यूस रिसाइकल आउ रीयूज। नेक्स्ट देज इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फाइला एक्सक्रिएशन टेक्स प्लेस थ्रू मालपिजियन ट्यूबल क्यों फाइला रे एक्सक्रिएशन टा मालपिजियन ट्यूबल द्वारा होता है तो ये आम जानले कौन हो ना सी आपड़ा आंथ्रोपोडा कह आंथ्रोपोडा। नेक्स्ट देखु चूज रीड दि स्टेटमेंट मैंने आभर क्यों करेक्ट ऑप्शन स्टेटमेंट आभर क्यों स्टेटमेंट करेक्ट अच्छे तो करेक्ट स्टेटमेंट कथा दी कह तो नेचुरल गैस इज यूज फॉर पावर जनरेशन हम स्टेटमेंट करेक्ट। नेक्स्ट आम देखा देखूँ नेचुरल गैस कैन भी इजिली ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइप्स एटा भी हो पार पाइप नेचुरल गैस ट्रांसपोर्ट हुए जेनेली। नेक्स्ट आम देखा नेचुरल गैस कैन भी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग ऑफ बर्निंग इन होम्स तो आम जी कह तीन टाइम स्टेटमेंट ट्रू अच्छे तो डी ऑप्शन करेक्ट जान ला। तो फ्रेंड्स ओवरऑल आम डिस्कशन कले 2019 जाए जदि आपको भिडियो भल लगे भिडियो गोटे लाइक करेंगे सांग सहित भिडियो को शेयर करेंगे चाहे चैनल को जब फर्स्ट टाइम भी आए चैनल को सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देबे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाए। सो थैंक यू।